सर चार लेंगे, चार चार। सिंगल
सकता है, पर हम तो खाली प्लेटफॉर्म ही दे सकते हैं। जैसे कि जो ये इधर स्टार पे कौन सा शो आ रहा है, सारेगामा नहीं, जो ये अच्छा इंडियन आइडल, हाँ इंडियन आइडल जैसा कितनी टैलेंट बाहर आ गई वो शो आने से, एक लोगों को उत्साह आ गया, उतने बड़े पैमाने पे भी नहीं मगर एक छोटे पैमाने पे प्रयास जरूर है कि कोई नई टैलेंट निखर के बाहर आ जावे, और कईयों की जो कला अंदर ही अंदर दब जाती है उसको एक आवाज़ मिल जावे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके द्वारा चांस दिया जाएगा। यस यस, तो आपसे अब तक कितने नए कलाकारों का कोई संपर्क हुआ है इस विषय में? नहीं, अभी तो 3 घंटे हो गए अभी तो नहीं। तो तन्वी भैया, तो तन्वी तो पहले से ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना सर, फिल्में बनाते हैं, म्यूजिक तो आज लॉन्च कर। हाँ, तो तन्वी मल्टीमीडिया से बहुत सारे नए कलाकार आए हैं और म्यूजिक कंपनी में हम लोग अभी इंटर किए हैं 6:15 से, तो अब सिंगर लोग भी संपर्क में आएंगे और जो आएंगे उनको मौका दिया जाएगा, अच्छे रूप से हम उनको प्रेजेंट करेंगे और एस्टेब्लिश सिंगर हमारे साथ है उनसे अप्रोच करेंगे, उनके गाने आएंगे, नए लोगों को भी आएंगे, सब लोगों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भाऊ जी, जिसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद। बहुत सारे नए टैलेंट्स हैं जिनको इन्होंने मौका दिया है, जिन पे ट्रस्ट किया है कंपनी ने, उसमें से एक मैं खुद हूँ, मुझे लगातार 4-5 फिल्में मैंने डायरेक्ट किया है, और चांदनी जी है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन पे कंपनी ट्रस्ट की है, उनको मेन लीड्स में जो सपोर्टिंग कर रहे थे उनको मेन लीड में, जो मेन लीड में थे उनको कंटिन्यू मेन लीड में, तो वही चीज़ हम लोग जो तन्वी मल्टीमीडिया सिनेमा में की है वही म्यूजिक में करने का आगे प्रयास है। सर, तन्वी जो आपने नाम रखा है तन्वी म्यूजिक, ये किसी के ऊपर है या किस तरह से? तन्वी क्या, तन्वी जो आपने नाम रखा है म्यूजिक कंपनी का, उसके पीछे कुछ वजह है क्या है? माय फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड तन्वी ने, एक पिक्चर की शुरुआत करने का, मैं तो भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मुझे भोजपुरी फिल्में हैं वो भी नहीं मालूम था, यश ने जब शुरू किया बोले कि फिल्म, तो फ़ोन आया एक दिन, बाबूजी कंपनी का नाम दीजिए, कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। मैंने बोला अभी नहीं, नहीं वो तो आपका नाम हो गया कंपनी, तो मेरे दिमाग में तभी मेरी एक ही पोती थी, दोती थी, तो मैंने बोला चलो उसका ही नाम रख लो, तो करके तन्वी रखा। सर, तन्वी म्यूजिक में सिर्फ भोजपुरी भी फोकस करेंगे कि बाकी हिंदी गाने को भी फोकस करेंगे? अभी इतना सोचा नहीं, अभी तो फोकस भोजपुरी पे, आगे फिर क्या क्या प्रतिभाव मिलता है, प्रतिसाद मिलता है, उसके ऊपर सोचेंगे। क्या क्या सोच के रखा सर आगे फ्यूचर? कुछ नहीं, अभी तो नोट छापने का सोचा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, एक मिनट जो मैं कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज तन्वी म्यूजिक बनी है, इससे पहले तन्वी मल्टीमीडिया था, तो यश मिश्रा जो एक्टर है, यश भाई मेरे तो बड़े भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बाबूजी को बोला कि बाबूजी एक फिल्म बनाते हैं, और उन्होंने तन्वी मल्टीमीडिया से पहली फिल्म बनाई और उनका ही शुरुआत किया हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हजारों लोगों को काम मिल रहा है, सबका घर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं नींव रखा हुआ उनका है, तो यश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनकी वजह से आज रीजन कहीं ना कहीं वो है ताकि इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों का घर चल रहा है, और बाबू जी का तो नाम है दीपक, और दीपक का काम है रोशनी देना, तो लोगों को रोशनी दे रहे हैं, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आपने तो बहुत सवाल किया, एक सवाल मैं करता हूँ कि आप लोगों को एज ए ऑडियंस कैसा लगा गाना? अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा। आप भी तो ऑडियंस ही है ना, बाद में रिपोर्टर है, पहले तो ऑडियंस ही है। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लोगों को भी अच्छा लगेगा। और कुछ पूछना है चांदनी जी से तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीपक जी, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? राज भाई, ऑडियंस से यही कहूँगा कि हम अच्छा खाना परोसेंगे, उसकी रुचि रखें और उसको सराहें, जो अभी तक जो गंदगी आई हुई है और कुछ अच्छा हम परोसने की कोशिश करें उसको सराहें। सर, आपकी जो फिल्में हैं उनके टाइटल बड़े यूनिक होते हैं, इसकी क्या वजह? हम खुद ही यूनिक है, तो हम मैं प्रोड्यूसर ऐसा हूँ जिसको भोजपुरी भाषा नहीं आती थी, फिर भी भोजपुरी का काम शुरू कर दिया मैंने, अभी थोड़ी बहुत आने लगी है मुझे, क्योंकि गालियाँ बहुत देते हैं ये लोग मुझे, मैंने बोला कि समझना जरूरी है ये भाषा।
मैडम इसमें काम करके कैसा लगा? क्या फिल्म में? हाँ आप एल्बम एल्बम अच्छा ही बोलना मेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि हमेशा काम करती रहूँ तन्वी म्यूजिक में और एल्बम हो चाहे फिल्म हो चाहूँगी कि बाबूजी हमें हमेशा याद करें और पहला गाना हमारा रितेश जी का है आज वो आ नहीं पाए आने वाले थे उनकी शूटिंग चल रही है फिल्म की इस वजह से वो आ नहीं पाए बट उन्होंने वीडियो कॉल पे विश किया है और बहुत अच्छा उन्होंने गाया है गाना दिल से उनको धन्यवाद और मुझे उम्मीद से बेहतर उन्होंने गाना गाया है और आगे हम लोग उनके और भी गाने प्लान कर रहे हैं फिल्म प्लान कर रहे हैं और कंपनी में हमारे एक और एक्टर हैं जो राज यादव जो हमारी कंपनी से इनकी फिल्म अभी तुरंत आने वाली है जो मैंने बनाई है हमको तुमसे प्यार है राज भाई से जरा मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए राज भाई सामने आइए इधर बैठो हाँ चलो मेरी बात फिल्म सबसे पहले सबको नमस्कार है और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला है जोर से बहुत खाना की बात यह है कि तन्वी म्यूजिक लॉन्च हुआ आज बहुत बहुत अच्छी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में पहले बनाई हुई है और इस बैनर के अंदर मैंने काफ़ी सारी फिल्में की है जिसमें एक बहुत खूबसूरत फिल्म है हमको तुमसे प्यार है और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं हीरोइन चांदनी जी हैं और मैंने काफ़ी सारी फिल्में बाबूजी के अंडर की हुई है सलाखे हुई देसी बॉय हुई और तमाम फिल्में हैं तो अभी इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है तन्वी म्यूजिक और बहुत अच्छे से गाने इसमें आने वाले हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम सिंगरों को भी अच्छा मिलेगा तो अभी मैंने कुछ गाने बाबूजी के लिए किया हुआ है इसमें आपकी फिल्म का पोस्टर आउट हुआ है अभी कुछ दिन पहले जी तो ये तमिल मल्टीमीडिया की फिल्म है तो क्या कहेंगे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबू जी का और धीरू सर का जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है और साथ में चांदनी जी हैं तो बहुत एक्चुअली पोस्टर अच्छा वायरल हुआ है पोस्टर अच्छा जो फर्स्ट लुक आया बहुत अच्छा लगा मतलब लगा सबको सबने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है उसके बाद क्या करना क्या 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 है आपका आने वाला अभी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं अभी सलाखें आ रही हैं और देसी बॉय है हमको तुमसे प्यार है बंधन जन्म जन्म के काफ़ी सारी फिल्में बिना शादी के लड्डू हाँ शादी के लड्डू है फिल्म की कहानी के बारे में बात करें जो हमको तुमसे प्यार है उसके बारे में बताइए तो क्या कहानी है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब टाइटल से समझ में आ जाता है रोमांटिक फिल्म है हमको तुमसे प्यार टाइटल है तो बहुत अच्छी कहानी है और एक पारिवारिक कहानी है तो आप लोग को देख मज़ा आएगा धीरू जी का नाम लिया है तो उनके डायरेक्शन में काम करके कैसा लगा अब तक मैंने जितनी फिल्में की है मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं ये टॉप वन में आते हैं बिकॉज की इनके अंडर जो मैंने काम किया वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे बहुत सारी चीज़ें सबने मुझे सिखाया कि ये ऐसा होता है ऐसा करो ऐसा करो और काफ़ी सारे मतलब जो जितने अब तक मैंने जितना काम किया है तो अच्छा लगा इनके साथ काम करके चांदनी जी राज जी के साथ काम करके कैसा लगा था आपको उनके साथ पहली फिल्म थी आपकी बहुत अच्छा लगा इसलिए हम लोग देसी बॉय किए हैं सलाखे किए हैं राज जी के साथ मेरी तीन फिल्म होगी बहुत अच्छा लगता है काम करके क्या कहना चाहेंगे तन्वी म्यूजिक के बारे में आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे हम ये कहेंगे जो हमारे सभी जितने भी हमसे प्यार करते हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग तन्वी म्यूजिक को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मैं एल्बम बहुत कम कर रही थी अभी बट आप लोग को तन्वी म्यूजिक से हमेशा हमारा एल्बम देखने को मिलेगा थैंक यू